नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, नीट जो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए यूजी कोर्सेज के लिए यहां पे आपके काउंसलिंग का डेट आ चुका है और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पे आपका कब शेड्यूल किया गया है, कब आपको फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकंड राउंड कब होगा और थर्ड राउंड कब होगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। और चलिए देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर नीट यूजी, आपका MBBS, BDS और BSc नर्सिंग के लिए यहाँ पे ये काउंसलिंग होने वाला है 2023 का। ऑल इंडिया जो आपका कोटा है 15% डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ऑल एम्स इंस्टीट्यूट, जिपमर। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या डेट है, किस प्रोसेस के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा और जो पेमेंट होगा, तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका पेमेंट कब तक होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे आपका 20 जुलाई 2023 से लेकर आपका 25 जुलाई 2023 तक क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट होगा। अब पेमेंट के लिए देखिए पेमेंट फैसिलिटी जो है ये आपका 8 PM तक, मतलब 25 तारीख को, 25 जुलाई को शाम के 8 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका चॉइस फिलिंग या फिर जो सीट लॉकिंग होता है तो उसको आप कब कर पाएंगे, तो ये आपका 22 जुलाई 2023 से लेकर आप 26 जुलाई 2023 तक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अप टू क्या लिखा हुआ है, 11:55 PM, मतलब आप रात के जो 11:55 तक आप कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 3 PM ऑफ 26 जुलाई, मतलब जो आपका देखिए चॉइस फिलिंग का जो आप लॉकिंग करेंगे तो ये आपको कब अवेलेबल होगा, तो ये आपको 26 जुलाई 2023 के शाम के जो 3 बजे होंगे अपराह्न में, तो यहाँ पे 3 बजे से स्टार्ट होंगे। अप टू कब तक होंगे, ये आपका 11:55 जो PM तक आपका होगा, जो आपका 26 जुलाई 2023 तक होगा। तो देखिए उसके बाद फिर देखिए आपका प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट का जो आपका प्रोसेसिंग है इसमें कितना टाइम लगेगा, तो इसमें देखिए आपका 27 जुलाई 2023 से लेकर 28 जुलाई 2023 तक 2 दिन में आपका ये प्रोसेसिंग हो जाएगा सीट अलॉटमेंट का। और फिर आपका रिजल्ट जो आएगा ये कब आएगा, तो ये आपका 29 जुलाई 2023 को आएगा। और अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट्स ऑन MCC पोर्टल, तो देखिए कैंडिडेट के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं ये किस डेट को करने हैं, तो ये आपको 30 जुलाई 2023 को करने हैं। और देखिए रिपोर्टिंग या फिर जो ज्वाइनिंग होगा ये आपको कब करने हैं, तो ये आपको करने हैं 31 जुलाई 2023 से लेकर आपको 4 अगस्त 2023 तक। उसके बाद देखिए आपका जो वेरिफिकेशन होगा, जो आपका यहाँ पे ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा बाय इंस्टीट्यूट शेयरिंग ऑफ डाटा बाय MCC, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या होगा, जो आप इंस्टीट्यूट में जो आप डाटा दीजिएगा और जो आपका MCC में डाटा दीजिएगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। और ये आपका कब होगा, ये आपका 5 अगस्त 2023 से आपका 6 अगस्त 2023 तक होगा, 2 दिन। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड राउंड का काउंसलिंग कब होगा, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन इसका कब से स्टार्ट होगा, ये आपका 9 अगस्त 2023 से स्टार्ट होगा और 14 अगस्त 2023 तक चलेगा। और उसके बाद थर्ड राउंड का जो काउंसलिंग होगा, तो देखिए यहाँ पे थर्ड राउंड का काउंसलिंग जो होगा ये देखिए यहाँ पे कब होगा, ये आपका इसका रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, तो ये आपका 31 अगस्त को आपका स्टार्ट होगा और 4 सितंबर 2023 तक चलेगा। तो ये सारी आपके डेट हैं यहाँ पे। और देखिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा, और इसके बाद भी अगर कोई सीट बचती है तो फिर जो आपका यहाँ पे और एक बार जो काउंसलिंग होगा लास्ट राउंड का, तो ये फिर कब होगा, ये आपका 21 सितंबर 2023 से लेकर और 23 सितंबर 2023 तक ये आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चलेगा। और उसी तरीके से फिर चॉइस फिलिंग, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, रिजल्ट और उसके बाद फिर डाटा आपको अपलोड करने का, तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो देखिए आपका यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगा, तो ये आपका फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है ये आपका कब से स्टार्ट होगा, ये आपका 20 जुलाई 2023 से 25 जुलाई 2023 तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।